राधे राधे दोस्तों, मैं एक वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, तो वो देखते रहिए। वो क्या है वो बताने जा रहा हूँ मैं दोस्तों। वो स्क्रीन एलर्जी अपने कहीं भी हो सकती है, हाथ पे, चेहरे पे, गर्दन पे, जांघों में, पेट पे, हाथ के नीचे, यहाँ कांखों में, ऊपर, कहीं भी स्क्रीन एलर्जी हो सकती है दोस्तों। उसके लिए मैं एक छोटा सा नुस्खा लेके आया हूँ दोस्तों। तो वो क्या है मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। आप 2 चम्मच छोटी वाली खोपरे के तेल की लीजिए, नारियल के तेल की 2 चम्मच लीजिए। 2 चम्मच लेके कटोरी में डाल दीजिए उसको। कटोरी में डालने के बाद में आप एक नींबू को काटिए, उसमें से 2 टुकड़े करिए उसके। आधा नींबू का रस 2 चम्मच निकल जाएगी उसमें छोटी वाली, और 2 चम्मच उसकी डालिए उसमें, जो नींबू है उसका 2 चम्मच उसमें डालिए नारियल के तेल में। तो नारियल के तेल में दोनों को मिक्स कर लीजिए आप। और उसको मिक्स कैसे करोगे, हाथ से नहीं दोस्तों, इस रुई से करना पड़ेगा उसको। उस रुई से इसको मिक्स करो। मिक्स करने के बाद में आपके जहाँ पे भी स्क्रीन एलर्जी हो, हाथ पे हो, तो आप उसको इस रुई की सहायता से ऐसे जहाँ पे भी हो लगा सकते हो। हल्की फुल्की ज़रा सा उसमें जैसे दर्द ज़रूर होगा, हल्का हल्का सा उसमें, क्योंकि एकदम वो जो नींबू डालते हैं ना उसके कारण थोड़ा सा हल्का हल्का महसूस होगा उससे, ऐसे चरमनाट महसूस होगा उसमें। तो अपन जैसे कुछ ऐसे लगाया है उसमें एहसास होगा, तो वो मिला के और उसको आप लगा सकते हो, जहाँ भी हो सकते हो। तो दिन में आप इस चीज़ को 2 बार यूज कर सकते हो। 2 बार यूज करने के बाद जैसे यूज किया एक बार, उसको फिर नॉर्मल गर्म पानी से धो लो। उसको धोने के बाद में फिर शाम के टाइम आप उसको लगा सकते हो। 2-3 घंटे के लिए लगाओ आप, फिर उसको धो के सो जाओ। आपकी 4 से 5 दिन में ही स्क्रीन एलर्जी बिल्कुल ख़त्म होना चालू हो जाएगी दोस्तों। बहुत ही शानदार और रामबाण इलाज है, घर बैठे ही इलाज कर सकते हो, बिना पैसे का इलाज है दोस्तों। आप इसको कभी भी कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए राधे राधे दोस्तों।